सीधे मुद्दे की बात शैलेंद्र पाराशर के साथ सिर्फ आयन 7 न्यूज पर। नमस्कार, आयन 7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र पाराशर, अब शुरुआत करेंगे अब तक की खास खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मऊरानीपुर पुलिस और खनन माफियाओं के बीच कितने मधुर संबंध है, यह एक वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो पाचोरा घाट का है। विगत 19 नवंबर को कोतवाली प्रभारी अवैध खनन की शिकायत पर पाचोरा घाट पहुंचे, जहां अवैध खनन होता भी पाया गया, लेकिन वह वहां कार्यवाही की जगह खनन माफियाओं से हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं, जो वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। जबकि वहां खुलेआम बालू का अवैध खनन ट्रैक्टरों द्वारा किया जा रहा था। जब इस संबंध में कोतवाली प्रभारी प्रेमचंद से जानकारी चाही तो वह बात को टाल गए। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि जिनके ऊपर अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी है, जब वो ही अपने संरक्षण में अवैध खनन करवाएंगे तो अवैध खनन कैसे रुकेगा। मऊरानीपुर से देवेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अवैध खनन कर रहे हैं पचोरा घाट वाले, ये देखिए सर, इन्होंने 15-20 फुट नीचे गड्ढा कर दिया है नदी में। ये बहुत दयनीय बात है, ये देखिए सर, 15-20 फुट तक इन्होंने गड्ढा कर दिया है। और ये इनकी LNT जो मशीन खड़ी है, ये जो है अभी सीमा से बाहर थी, अभी हाल इन्होंने जो है हमारे आने से पहले जो है अंदर की है। और ये जो दूसरी मशीन खड़ी है, ये वाली सर, ये भी जो है इन्होंने अभी जो है अंदर कर ली है। ये अवैध, टोटल अवैध खनन हो रहा है सर। इनका जो है सीमा खत्म हो गया, बालू खत्म हो गई इनके पास, और ये अवैध रूप से जो है अवैध सीमा में आ रहे हैं। सभी खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप IN7 न्यूज के साथ, और जाने अपने गली नुक्कड़ सूबे और शहर की बात IN7 न्यूज के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।